हेलो एवरीवन, कि आपको भी मेरी तरह काले लंबे घने और शाइनिंग हेयर चाहिए तो आज की जो रेमेडी है गाइस वो 100% आप लोगों के लिए है। और आज की जो रेमेडी है मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लाई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा दावे के साथ बोलती हूँ कि मेरे चैनल पे जितनी भी रेमेडीज होती हैं 100% इफेक्टिव होती हैं, 100% नेचुरल होती हैं। और मैं वीडियो तभी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए जब मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा जादुई नुस्खा मिलता है, जादुई रेमेडी मिलती है जो मैजिकल वर्क करती है। तो आज की रेमेडी मैजिकल ही है, समझ लीजिए। और ये है हमारी आज की रेमेडी। इस रेमेडी को मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए बनाया है। और ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है, 100% नेचुरल है। और ये आपकी बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे आपके बाल सफ़ेद हो चुके हों तो उनको ये कलर प्रोवाइड करेगा। जैसा कि आप इसमें कलर देख रहे हैं, ना तो हमने हिना का यूज़ किया है ना ही किसी हेयर कलर का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी ये नेचुरल तरीके से आपके बालों को कलर करेगा, आपके बालों को मोटा करेगा, आपके बालों की शाइन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए गाइस हम अपनी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हमको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है चुकंदर, यानी कि बीटरूट। चुकंदर यानी कि बीटरूट, इसके अनेक पोषक तत्वों के कारण इसको सुपर फूड का दर्जा मिला है। और इसमें एक नेचुरल रेड कलर होता है, आप देख सकते हैं। ये हमारे बालों को नेचुरली कलर प्रोवाइड करता है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसका कलर जो है वो कच्चा होता है, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा पक्का होता है। और साथ साथ हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं उससे ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इस बीटरूट में विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। हमारे बालों के लिए ये अमूल्य औषधि है, इसके गुणों से आप सभी अनजान रहते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स जो हम इस रेमेडी में ऐड करने जा रहे हैं वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, लो होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पाए जाते हैं। कड़ी पत्ता आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाता है, झड़ना बंद करता है। कड़ी पत्ते के इस्तेमाल से आपके बालों में एक शाइनिंग आती है। इसका प्रयोग एक प्राकृतिक टॉनिक के रूप में किया जाता है, उत्कृष्ट नाम का टॉनिक होता है इसमें, और जो आपके बालों को अंदर से आवश्यक एंड पोषक तत्व प्रदान करता है और आपके बालों का झड़ना 100% बंद करता है। और हम इन सभी को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कड़ी लीव्स को अच्छी तरीके से धुल लिया था और उसके बाद मैंने इसे मिक्सी में डाल दिया है। अब हम इसमें बीटरूट यानी कि चुकंदर ऐड करेंगे और इसको मैंने अच्छी तरीके से छील के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाएगा। और एक हम इसमें केला भी ऐड करेंगे। इस बालों में एक्स्ट्रा शाइन ऐड करने के लिए हम इसमें एक केला ऐड करेंगे। केले को हमें छील लेना है और उसको कट करके ऐड कर देना है। केला हमारे बालों को एक्स्ट्रा शाइन प्रोवाइड करता है। इसमें जिंक होता है जो बालों के लिए बहुत ही हेल्दी। इसमें एक चम्मच, एक से दो चम्मच हम दही ऐड करेंगे। दही आप नॉर्मल कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खट्टा दही हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और दही जो है आपके स्कैल्प को पूरी तरीके से क्लीन करता है, डैंड्रफ जो होता है उसको पूरी तरीके से क्लीन करता है और स्कैल्प को और भी ज़्यादा बूस्ट बनाता है। इसमें दो चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास असली पेड़ है जो रियल लिप्स हैं तो वो आप ज़रूर लीजिए, उसका जेल ऐड कीजिए। और बस अब हम इसे अच्छी तरीके से इन सभी का पेस्ट बना लेंगे। और लास्ट में एक मेन इंग्रेडिएंट्स और है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और इन सभी को हमने मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया और इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं और कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। अब हम इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अभी हमें इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है और इसे मैं अपने बालों में आपको लगा के भी दिखाऊंगी और क्या रिजल्ट आता है वो भी मैं आप लोगों को लाइव इसी में चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये रेमेडी आप देख रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपके बालों को ज़िंदगी में कभी भी सफ़ेद नहीं होने देगी, आपके बालों को लंबा करेगी और आपके बालों। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं यही वो मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये है आंवला पाउडर। इसमें हमने दो चम्मच आंवला पाउडर ऐड किया है। आंवला पाउडर आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन ले लीजिए, इजीली मिल जाएगा आपको। और आंवला पाउडर हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्केट में बिकने वाले 99% हेयर प्रोडक्ट, जितने भी हेयर प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो कंडीशनर हो, कंडीशनर तक भी आजकल दावा करने लगे हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है उसमें आंवला मिक्स है। तो आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि आंवला हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। और ये आपके बालों को लंबा, घना और मोटा बनाता है। साथ साथ आपकी आंवला आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, साथ साथ आपके बालों को काला, घना और लंबा बनाता है। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं मैंने, एक तो बहुत ही ईजी रेमेडी बना के आप लोगों को तैयार किया, जो ईजिली आपको जितने भी प्रोडक्ट इसमें ऐड किए हैं, जितने भी चीज़ें ऐड किए हैं वो ईजिली आपको मिल जाएंगी मार्केट में, अपने घर पर ही मिल जाएंगी। और ये रेमेडी मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बनाई है। और चलिए अब मैं इसे आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ कि आपको इसे कैसे लगाना।
सबसे पहले बड़े दांतों वाली कॉम लेके अपने बालों को ट्रायंगल फ्री कर लीजिए, बिल्कुल भी वो उलझे हुए नहीं रहने चाहिए। अगर आप उलझे हुए बालों में कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं तो आपके बाल और ज़्यादा उलझते हैं और फिर बाद में हेयर वॉश करते समय टूट। और अपने बालों को आपको दो पार्टीशन में डिवाइड कर देना है और आपको एक एक छोटा छोटा पार्टीशन लेके अपने बालों में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कुछ टाइम तक एक लेयर को अच्छी तरीके से मसाज करना है और इसी तरीके से आपको लगाना है पूरे बालों में, इसी तरीके से अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं गाइस, आप मेरे पुराने वाले वीडियोस में देख सकते हैं कि मेरे बालों की ग्रोथ कितनी कम थी, यानी कि मैं हमेशा ही अपने बालों को सेट करवाती रहती हूँ, कटिंग करवाती रहती हूँ नीचे से। वो मुझे पतले पतले जो बाल होते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं हमेशा ही कटिंग कराती हूँ और मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं ये रेमेडी 2 महीने से ट्राई कर रही थी और इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ही अच्छा है। इस रेमेडी को मैंने 2 बार यूज़ किया है इससे पहले और ये आज मैं 3rd टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ और इसका रिजल्ट इतना औसम मिलता है और इसके बालों में एक ऐसा कलर आपको देता है ना, जैसे अभी भी आप मेरे बालों में देख रहे होंगे रेडिश सा कलर। तो मुझसे बहुत से लोगों ने तब पूछा था कि क्या तुमने अपने बालों में कलर कराया है और क्या सीक्रेट है, वो तो आप लोग जानते ही हो, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर। अब इसको पूरे बालों में लगाने के बाद आपको बर्न बना लेना है, लेकिन एक चीज़ है कि आपको इसे 2 से 3 घंटे तक रखना है अपने बालों में। अगर आप इसे 2 से 3 घंटे तक रखते हैं तो जो कलर है, जितने भी नेचुरल कलर हैं, वो अच्छी तरीके से आपके बालों में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और आपको बहुत ही शाइनिंग और स्मूथ हेयर मिलेंगे। तो इसे प्लीज़ 2 से 3 घंटे ज़रूर रखिएगा। अभी मैंने हैंड वॉश से अपने हाथ को क्लीन किया है, तब भी ये जो कलर है वो मेरे हाथों से नहीं जा रहा है। इस तरीके से बन बना लीजिए और 2 से 3 घंटे तक इसे अपने बालों में लगाए रखिए। फर्स्ट वॉश आप नॉर्मल पानी से अच्छी तरीके से अपने बालों को क्लीन कर दीजिए। शैम्पू अगर आप एक दिन बाद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप शैम्पू कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को वार्निंग के साथ बताना चाहती हूँ कि इसको लगाते समय आप कभी भी वाइट कपड़ा कोई लाइट कलर का कपड़ा मत पहनिएगा, कोई ऐसा ही आप बेकार कुर्ती या टॉप वगैरह पहनिएगा, नहीं तो आपके कपड़ों में कलर लग सकता है। 2 घंटे इस रेमेडी को लगाने के बाद मैंने इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया था, मैंने किसी भी शैम्पू या कंडीशनर का यूज़ नहीं किया। अगर आप शैम्पू या कंडीशनर का यूज़ नहीं करते हैं तो इसका कलर और भी पक्का हो जाता है। नेक्स्ट डे आप शैम्पू यूज़ कीजिए, आपको इसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको इसे महीने में सिर्फ 2 बार यूज़ करना है, आप इस रेमेडी के फ़ैन हो जाएंगे। आपके बालों को लंबा करेगी, आपके बालों को कभी सफ़ेद नहीं होने देगी, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाएगी। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।